हेलो एवरीवन, दिस इज सुधीर एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुधीर। टुडे वी डिस्कस ए न्यू टॉपिक एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक, एस्ट्रॉयड एंड मेट्रॉयड्स। एस्ट्रॉयड और जो मेट्रॉयड्स हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे। पिछली जो वीडियो है उसके अंदर हमने जो डिस्कस किया था वो क्या था, ह्यूमन मेड सैटेलाइट है। इनके बारे में डिस्कस किया था कि सैटेलाइट होती क्या है और ह्यूमन मेड सैटेलाइट होती क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। चलिए आज हम पढ़ेंगे एस्ट्रॉयड और मेट्रॉयड्स के बारे में। देखिए, अपार्ट फ्रॉम स्टार, प्लेनेट, सैटेलाइट, दीज आर द न्यूमेरियस टीनी बॉडी विच आल्सो मूव अराउंड द सन। देखिए क्या होते हैं, जो स्टार है वो हमारी जो सन होता है उसके अराउंड है, वो चक्कर लगाते हैं, क्योंकि सन एक खुद एक स्टार है, प्लेनेट है और सैटेलाइट है। यह क्या करते हैं, ये जो सन है उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। क्यों? ग्रेविटी से, जो ग्रेविटी है उसके कारण, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो उसके अंदर बताया था कि किस कारण लगाते हैं, तो ग्रेविटी के कारण ये इसके चारों ओर चक्कर हैं वो लगाते रहते हैं। जैसे जो प्लेनेट है वो किसका लगाते हैं, सन का, और जो सैटेलाइट किसका लगाते हैं, वो प्लेनेट का लगाते हैं। अब कुछ टीनी बॉडी हैं, टीनी बॉडी के अंदर क्या होता है, किसके अंदर आते हैं हमारे टीनी बॉडी हैं, ये 100 से लेकर 150-200 किलोमीटर, ये इतनी छोटे हैं। कहने का मतलब है हमारा कि प्लेनेट से छोटी होती हैं, पर ये छोटी होती नहीं, 100, 100, 200, 500 किलोमीटर ये मिल जाती हैं हमें, पर यहाँ पे प्लेनेट है उनसे छोटे होते हैं, इसलिए यहाँ पे टीनी बॉडी है वो लिखा, विच आल्सो मूव अराउंड द सन। ये टीनी बॉडी कौन सी हैं, एस्ट्रॉयड है और मेट्रॉयड्स हैं, ये हैं हमारी टीनी बॉडी। चलिए इनके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए मैंने आपको एक बार एस्ट्रॉयड, मैंने प्लेनेट का जो चैप्टर है वो पढ़ा रहा था मैं आपको, जब मैंने बताया था कि जो मार्स है और जो जुपिटर है, मार्स और जो जुपिटर है उसके बीच में एक ऐसी लेयर है वो बनी हुई थी वाइट, और उसके अंदर ऐसे स्टोन टाइप में, फिगर टाइप में, या मैं कहूँ कि ऐसी जो फिगर है वो बनी हुई थी। आप अपनी बुक के अंदर भी देख सकते हैं, इस साइड तो है मार्स, मार्स का ऑर्बिट है, और इस साइड जुपिटर का ऑर्बिट है, और बीच में ये लेयर बनी हुई थी, ये लेयर है एस्ट्रॉयड के। किसकी लेयर है, एस्ट्रॉयड के। चलिए बात करते हैं, बिग पार्टिकल्स ऑफ रॉक मूव अराउंड द सन, और जो बड़े जो पार्टिकल होते हैं वो मूव करते हैं अराउंड द सन, सन के चारों जो चक्कर लगाते हैं बड़े पार्टिकल वो हैं हमारे क्या, एस्ट्रॉयड। एस्ट्रॉयड क्यों चक्कर लगाते हैं, क्योंकि ग्रेविटीज, जो ग्रेविटी है उसके कारण है, और जो सन है उसकी अपनी ग्रेविटी है, उस ग्रेविटी के कारण क्या है कि जो एस्ट्रॉयड हैं, जो बड़े जो पत्थर हैं, वो सन का चक्कर लगाते हैं। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर, जो मार्स और जो जुपिटर का जो ऑर्बिट है उसके बीच में हमें ये देखने को मिलते हैं। ये देखिए मैंने आपको एक इमेज है वो बना रखी है यहाँ पे। साइंटिस्ट बिलीव दैट द एस्ट्रॉयड आर पार्ट ऑफ ए प्लेनेट, जो साइंटिस्ट हैं उनका मानना है, वे मानते हैं कि जो एस्ट्रॉयड होते हैं वो एक प्लेनेट का ही एक पार्ट होते हैं। विच एक्सप्लोड, वो फटने के कारण, मैनी ईयर बैक क्या हुआ कि जो साइंटिस्ट हैं उनका मानना है कि पहले जो प्लेनेट है उसके अंदर विस्फोट हुआ, और विस्फोट होने के कारण कि जो एस्ट्रॉयड हैं वो बने हैं, बड़े बड़े जो पत्थर हैं वो बने हैं। उनका मानना है कि जो प्लेनेट है उन्हीं में जो एक्सप्लोड है वो हुआ है, उनमें कोई विस्फोट है वो हुआ है, जिसके कारण एस्ट्रॉयड है ये बने हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा, फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। अब बात करते हैं मेट्रॉयड्स के। मेट्रॉयड्स क्या होते हैं, द स्मॉल पीस ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन, ये बड़े होते हैं और जबकि ये छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ये बड़े पार्टिकल्स हैं और जबकि ये छोटे पार्टिकल्स हैं, और ये भी दोनों सन के चारों ओर चक्कर हैं वो लगाते हैं। दीज मेट्रॉयड्स कम नियर द अर्थ एंड ड्रॉप अपॉन इट, क्या होते हैं कि कुछ जो मेट्रॉयड्स होते हैं वो क्या करते हैं, घूमते घूमते अर्थ के पास आ जाते हैं, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसके पास आ जाते हैं, और वो गिर जाते हैं, और क्या होता है गिरने के बाद उनमें आग लग जाती है। क्यों लगती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। मोस्ट ऑफ द टाइम इन दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन विद एयर दे गेट हीटअप एंड बर्न। देखिए फ्रिक्शन, यहाँ पे एक शब्द आया फ्रिक्शन, फ्रिक्शन मैं आपको समझा दूँ कि जैसे हम क्या कर रहे हैं, हवा उस साइड से आ रही है और हम इस साइड से आ रहे हैं, तो हम कैसे जा रहे हैं,
हम ऐसे जा रहे हैं और हवा है वो इस साइड आ रही, तो ये फ्रिक्शन लगाएगी, वो हमें पीछे की ओर धकेलेगी और हम आगे की ओर जाएंगे। तो इसके कारण क्या होता है, फ्रिक्शन लगता है। और फ्रिक्शन, यहाँ तक तो ये फ्रिक्शन आपको समझ आ गया होगा। चलिए देखिए, एक बार मैं आपको एक गाड़ी का एग्जांपल देता हूँ कि ये है, ये रोड है हमारा, तो ये गाड़ी है, क्योंकि इसके अंदर स्लोप है तो वो आसानी से, आप चाहे गाड़ी को बंद भी कर दोगे तो भी गाड़ी चलेगी। किसके कारण, फ्रिक्शन के कारण, क्योंकि पीछे से फोर्स है वो लग रहा है एक टाइप से। अब रोड है वो बिल्कुल प्लेन है और आपने गाड़ी को विदाउट गियर में बंद कर दिया, तो वो थोड़ी दूर तो चलेगी, फिर उसके बाद फिर ऑटोमेटिक रुक जाएगी। तो ये फ्रिक्शन के कारण ही होते हैं सभी। अब देखिए, ये है हमारी अर्थ और यहाँ से कोई मेट्रोइड्स है वो आ रहा है, कोई मेट्रोइड्स है वो आ रहा है, तो यहाँ पे क्या है, एयर होती है, एयर होती है, तो एयर क्या करेगी, इस पर फोर्स लगाएगी और इस फोर्स की वजह से फ्रिक्शन होगा दोनों के अंदर, मेट्रोइड्स और जो एटमॉस्फेयर है या जो एयर है, इसके अंदर फ्रिक्शन होगा। और फ्रिक्शन होने की वजह से वो क्या होगा, देखिए, ड्यू टू फ्रिक्शन विद एयर, एयर के साथ फ्रिक्शन हुआ उसका, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो एटमॉस्फेयर उसके अंदर आपको पता है कि काफ़ी जो गैसेज हैं वो मिलती हैं, और इसके कारण क्या हुआ कि दोनों के अंदर फ्रिक्शन पैदा हुआ, और दोनों के अंदर फ्रिक्शन की वजह से क्या हुआ, गेट हीटेड, जो हीट है वो पैदा होती है एंड बर्न, और उसमें आग लग जाती है। जैसे दो पत्थरों को हमने रगड़ना शुरू किया तो उसमें क्या हुआ, फ्रिक्शन हुआ, और फ्रिक्शन होने की वजह से क्या हुआ, आग है वो लगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, इन दोनों के अंदर फ्रिक्शन हुआ और फ्रिक्शन होने की वजह से हीट पैदा हुई और वो जलने लगे, और इसी को शूटिंग स्टार कहते हैं। जैसे आपको टूटता हुआ तारा दिखाई देता है, कि लोकल भाषा में हम बोलते हैं कि देखिए स्टार टूट गया है, तो इसको टूटता हुआ तारा के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो दूसरा जो नाम है वो है शूटिंग स्टार। बस आपको ये वीडियो है वो समझ आई होगी हमारी, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।